ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जिसका बैच चला है, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमारा डिमांड फोरकास्टिंग का कंसेप्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लास्ट वीडियो में हम डिमांड फोरकास्टिंग का कंसेप्ट किए थे, उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन भी किए थे। सारे के सारे कंसेप्ट डिमांड फोरकास्टिंग का ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो ठीक है, आज नया चैप्टर, नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, कैपेसिटी प्लानिंग। देखो, कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी प्लानिंग क्यों करना है, सब कुछ हम देखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नोट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं। लिखो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज कैपेसिटी मैनेजमेंट। बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैपेसिटी मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या? कैपेसिटी मैनेजमेंट। आप बोलेंगे सर, एक कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या होता है? लिखो, नेक्स्ट लाइन आरो देखे लिखो, कैपेसिटी मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोल। कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी। बेटा, कैपेसिटी का प्लानिंग, कैपेसिटी का कंट्रोल को कहते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट। टू मैच द लेवल्स ऑफ ऑपरेशन टू द लेवल्स ऑफ डिमांड। इसका मतलब डिमांड का लेवल को, मतलब जितना डिमांड आएगा उतना प्रोडक्शन हो पाएगा, जितना कम डिमांड आएगा उतना कम प्रोडक्शन होगा। इस मैनेजमेंट, इस कैपेबिलिटी को कहते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट। आज तुम्हारा डिमांड ज़्यादा आया, तुम्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। कल तुम्हारा डिमांड कम आया, तो तुम्हें कम प्रोडक्शन करना है। इसका मतलब तुम मैच करो किसको? लेवल्स ऑफ ऑपरेशन को, लेवल्स ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड के हिसाब से तुम्हारा ऑपरेशन रहेगा, डिमांड के हिसाब से तुम्हारा ऑपरेशन रहेगा। मतलब डिमांड और लेवल ऑफ डिमांड, लेवल ऑफ ऑपरेशन हमेशा मैच होके चलेगा, मतलब बराबर होके चलेगा। इसको कहते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट, इसको कहते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट। ठीक है, चलो सुनो, तीन क्वेश्चन पूछो, थ्री क्वेश्चन पूछो, जो उसका रिजल्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटी मैनेजमेंट। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट को समझने समझने के लिए हमें खुद को तीन क्वेश्चन पूछेंगे। तो ठीक है, देखो, कैपेसिटी मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड। फिर उसके बाद हमें यही जानना पड़ेगा कि हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड। आखिर में व्हेन कैपेसिटी इज नीडेड, मतलब तीन सवाल खुद को पूछो, उसका रिजल्ट हो जाएगा कैपेसिटी मैनेजमेंट। बोलो, वो तीन सवाल क्या है? व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड एंड व्हेन द कैपेसिटी इज नीडेड। व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड एंड व्हेन द कैपेसिटी इज नीडेड। द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन इज बेसिकली कैपेसिटी मैनेजमेंट। द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन इज कैपेसिटी मैनेजमेंट। तो लिखो, द आंसर
ऑफ बीज थ्री क्वेश्चन इज कैपेसिटी मैनेजमेंट. द आंसर ऑफ दिस थ्री क्वेश्चन इज कैपेसिटी मैनेजमेंट. नेक्स्ट लाइन आरो देके लिखो. कैपेसिटी प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान. एक्सपेंशन प्लान. कैपेसिटी प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान. अगर तुम फ्यूचर में डेवलप करने के लिए कोशिश करते हो तो आज से तुम्हारा कैपेसिटी को ठीक से प्लानिंग करो. अगर तुम फ्यूचर में थोड़ा एक्सपेंशन करने के लिए कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, इसका मतलब आज से तुम्हारा कैपेसिटी प्लानिंग को ठीक करो. अगर तुम्हारा कैपेसिटी प्लानिंग ठीक ठाक नहीं होगा तो तुम्हारा ग्रोथ एक्सपेंशन रुक जाएगा, तुम्हारा ग्रोथ एक्सपेंशन रुक जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो. कैपेसिटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी. रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी. कैपेसिटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ ए फैसिलिटी. एक फैसिलिटी का प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को कहते हैं कैपेसिटी. मतलब चलो मान लो कि ये मेरा एक मशीन है. मैंने बोला कि इस मशीन एक साल में 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है. इसका मतलब 1000 हो जाएगा इसका कैपेसिटी. मैंने बोला कि ये जो मशीन है एक साल में 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है. इसका मतलब 1000 हो जाएगा इस मशीन का कैपेसिटी. 1000 हो जाएगा इस मशीन का कैपेसिटी. ठीक है, हाँ. फर्स्ट स्टेप देख लिखो. कैपेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड आज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर पीरियड ऑफ टाइम. कैपेसिटी जी यूजुअली एक्सप्रेस्ड आज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब तुम अगर एक मशीन का कैपेसिटी एक्सप्रेस करना चाहते हो तो तुम ऐसे बताओगे कि एक साल में इसका 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन हो पाएगा. इसका मतलब इन नंबर ऑफ यूनिट्स कैपेसिटी एक्सप्रेस होगा इन नंबर ऑफ यूनिट्स फिर पर पीरियड. एक महीने में कितना, एक साल में कितना, एक क्वार्टर में कितना, एक साल में 1000 यूनिट, छः साल में 500 यूनिट, एक साल में 200 यूनिट, एक मंथ में 200 यूनिट. ये सब हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटी एक्सप्रेशन करने का तरीका. ये हुआ तुम्हारा कैपेसिटी एक्सप्रेशन करने का तरीका. ठीक है, चलो अब बोलेंगे सर कैपेसिटी प्लानिंग क्यों चाहिए. कैपेसिटी प्लानिंग क्यों चाहिए. अगर कैपेसिटी प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो क्या नहीं चलेगा बेटा. ना, नहीं चलेगा. तो देखो कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग. कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग. कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग. हमें इस कारण के लिए कैपेसिटी प्लानिंग चाहिए. हमें इस कारण के लिए कैपेसिटी प्लानिंग चाहिए. बोलो क्या है वो कारण. सफिशियंट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर डिमांड इन टाइम. इसका मतलब एक कस्टमर का डिमांड को टाइम पे मीट करने के लिए तुम्हें सफिशियंट कैपेसिटी चाहिए.
अगर तुम्हारे पास सफिशियंट कैपेसिटी नहीं होगा तो तुम कस्टमर का डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास सफिशियंट कैपेसिटी नहीं होगा तुम कस्टमर का डिमांड को मीट नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, फिर कैपेसिटी अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। अगर आइडियल कैपेसिटी रहा तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर आइडियल कैपेसिटी रहा तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन तुम 500 स्टूडेंट बैठाने के लिए एक क्लासरूम ले रखे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास आइडियल कैपेसिटी रहेगा। तो आइडियल कैपेसिटी में तुम्हारा फिक्स एक्सपेंडिचर बहुत होगा। तो इसीलिए कैपेसिटी हमेशा तुम्हारा कॉस्ट एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तो ठीक है, कैपेसिटी अफेक्ट द शेड्यूलिंग सिस्टम। क्या मतलब सर, एग्जांपल देके समझाइए बेटा। देखो, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, इसका मतलब अप्रोप्रिएट कैपेसिटी है, तुम जैसे शेड्यूल बनाओगे वैसे काम कर पाओगे। मान लो मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, या तो अंडर कैपेसिटी है या तो ओवर कैपेसिटी है। मैंने बोला कि अगले सप्ताह में 6 दिन क्लास होगा लेकिन अंडर कैपेसिटी की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। कभी कभी स्टूडेंट आएंगे, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा कैपेसिटी मिसमैच होगा तो तुम्हारा शेड्यूल रुक जाएगा। तो ठीक है, फिर कैपेसिटी क्रिएशन रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट। अगर तुम कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए सोचते हो, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट में कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो ठीक है, फिर बोला कैपेसिटी प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर एंड न्यू प्रोडक्ट। अगर तुम न्यू प्रोडक्ट या मोर प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचते हो, तो सबसे पहले तुम्हें कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना कैपेसिटी प्लानिंग में तुम न्यू प्रोडक्ट या मोर प्रोडक्ट बना नहीं सकते हो। चलो, ये था हमारा कैपेसिटी प्लानिंग क्यों चाहिए। आप बोलेंगे सर कैपेसिटी प्लानिंग कितने प्रकार का। बेटा कैपेसिटी प्लानिंग तीन प्रकार का। नेक्स्ट लिखो कैपेसिटी प्लानिंग का टाइप्स। लिखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। बोलो कैपेसिटी प्लानिंग इज बेसिकली थ्री टाइप्स। तो कैपेसिटी प्लानिंग इज बेसिकली थ्री टाइप्स। क्या शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग? चलो दो प्रकार कर देते हैं, शॉर्ट मीडियम कुछ नहीं होता है। अगर तुम लिखोगे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन दो करो, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। चलो लिखो भी मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, मीडियम टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, चलो आप बोलेंगे सर ये शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। बेटा जो कैपेसिटी प्लानिंग को हम कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं वो टाइम पीरियड के बेसिस पे होता है, तो ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है, लिखो इधर, कंसर्न विथ वर्कफोर्स साइज कमा ओवर टाइम कमा बजट
एक्सेट्रा। तुम्हारा बजट क्या है, कितना खर्चा करोगे, कितना प्रोडक्शन करोगे, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपेसिटी होता है, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होता है। तुम्हारा कितना लेबर काम करेंगे, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होता है, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग में लिखो कंसर्न विथ इन्वेस्टमेंट इन न्यू फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, कंसर्न विथ इन कंसर्न विथ इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू फैसिलिटी और इक्विपमेंट। अगर तुम न्यू प्लांट इंस्टॉल करने के लिए सोचते हो तो उसके लिए जो कैपेसिटी प्लानिंग होगा वो तुम्हारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। तो बोलो कैपेसिटी प्लानिंग कितना प्रकार का, कैपेसिटी प्लानिंग दो प्रकार का, क्या क्या, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग मतलब कंसर्न विथ वर्क फोर्स ओवर टाइम बजट एक्सेट्रा, कंसर्न विथ वर्क फोर्स ओवर टाइम बजट एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग मतलब कंसर्न विथ इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू फैसिलिटी एक्सेट्रा। जो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होता है, जो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग होता है, इट हैव मोर देन टू ईयर टाइम्स वन। मतलब लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग दो साल से ज्यादा टाइम के लिए चलता है। मतलब आज तुम इन्वेस्टमेंट किया, आज तुम नया मशीन बैठाया, क्या 6 महीने के बाद उसको चेंज कर देगा? नहीं। तो बेसिकली मतलब कम से कम 2 साल उसका वैलिडिटी रहेगा। तो ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, ये हो गया तुम्हारा क्या, टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ फैक्टर्स डिटरमाइन, फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपेसिटी, फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो तुम किस फैक्टर को लेकर कैपेसिटी डिटरमाइन करोगे, फैसिलिटी प्रोडक्ट प्रोसेस, फैसिलिटी प्रोडक्ट प्रोसेस। तो फैसिलिटी को लेकर अगर तुम कैपेसिटी डिटरमाइन करोगे तो कैपेसिटी आएगा इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ लेआउट एंड एनवायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ लेआउट एंड एनवायरमेंट। अगर तुम प्रोडक्ट को लेकर कैपेसिटी डिटरमाइन करते हो, अगर तुम प्रोडक्ट को लेकर कैपेसिटी डिटरमाइन करते हो तो कैपेसिटी आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। अगर तुम प्रोसेस को लेकर कैपेसिटी डिटरमाइन करते हो तो प्रोसेस का सॉरी कैपेसिटी आएगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी, वो फैक्टर्स को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ फैक्टर में सबसे पहला रहा ह्यूमन फैक्टर, फिर उसके बाद ऑपरेशनल फैक्टर, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या आएगा, जॉब कंटेंट, जॉब डिजाइन, मोटिवेशन, कॉम्पेंसेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ लेबर, लर्निंग रेट,
एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर, ये सारे चीज आएगा ह्यूमन फैक्टर में। ह्यूमन फैक्टर में ऑपरेशनल फैक्टर में क्या चीज आएगा, शेड्यूलिंग आएगा, मेटेरियल मैनेजमेंट आएगा, क्वालिटी अश्योरेंस आएगा, मेंटेनेंस पॉलिसी, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन। एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, ये सारी चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सेफ्टी रेगुलेशन, यूनियन एटीट्यूड, पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। चलो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स भी हो गया। बोलो फैक्टर्स कितने प्रकार का, फैक्टर्स तीन प्रकार का, ह्यूमन फैक्टर्स, ऑपरेशनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर में क्या चीज आएगा, जॉब कंटेंट आएगा, जॉब डिजाइन आएगा, मोटिवेशन, कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा, लर्निंग रेट, मतलब जो ह्यूमन का काम होता है। फिर बोलो ऑपरेशनल, ऑपरेशनल फैक्टर, ऑपरेशनल फैक्टर में क्या क्या आएगा, शेड्यूलिंग आएगा, मेटेरियल मैनेजमेंट आएगा, क्वालिटी अश्योरेंस आएगा, मेंटेनेंस आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर में प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ये सब आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। क्या मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी को कैसे मेजर करोगे, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी को कैसे मेजर करोगे। तो ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए प्लान इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर पीरियड। मान लो कि तुम्हारा काम, तुम प्लांट का कैपेसिटी एक्सप्रेस करने का सोचते हो, तुम प्लांट का कैपेसिटी एक्सप्रेस कर रहे हो, तो तुम्हें यही बताना पड़ेगा कि वो प्लांट कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कितना यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कितना यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या घंटा में कितना, शिफ्ट में कितना, डे में कितना, वीक में कितना, मंथ में कितना, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। बट व्हेन द फार्मर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज डिफिकल्ट टू यूज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट टू एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ द फार्म। इन सच केसेस कैपेसिटी ऑफ द फार्म इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ मॉनिटरी वैल्यू। बेटा अगर तुम सिंगल प्रोडक्ट यूज करते हो, सिंगल प्रोडक्ट, तो कैपेसिटी कैसे एक्सप्रेस होगा, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अगर तुम मल्टी प्रोडक्ट बनाते हो, अगर तुम मल्टी प्रोडक्ट बनाते हो तो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का मॉनिटरी वैल्यू बोल दो, वो हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटी। चलो कैपेसिटी का मेजरमेंट हो गया। कैपेसिटी कैसे मेजरमेंट होता है, कैपेसिटी मेजरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस, कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस। तो ठीक है, लिखो कैपेसिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज, कैपेसिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज क्या, असेसिंग द कैपेसिटी of existing facilities, forecasting the long range future capacity need, forecasting the long range future capacity need,
आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग sources of capacity for future needs, evaluating the alternatives. Alternative sources of capacity. अगर तुम बोलोगे कि कैपेसिटी प्लानिंग, तो कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये सारे एक्टिविटी हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटी प्लानिंग। ये जो एक्टिविटी नीचे हम लिखे हैं, ये एक्टिविटी हो जाएगा तुम्हारे लिए कैपेसिटी प्लानिंग। क्या ना? असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, मतलब तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसका कैपेसिटी कितना, तो पहले एक्सेस करो, मतलब डिटरमाइन करो, तो ठीक है। फिर तुम फोरकास्ट करो, क्या ना लॉन्ग रेंज टर्म में, फ्यूचर में तुम्हें कितना कैपेसिटी चाहिए। तुम फोरकास्ट करो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में या लॉन्ग रेंज में तुम्हें कितना कैपेसिटी चाहिए, तो ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करो एंड एनालाइज करो सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड। फ्यूचर में तुम्हें जितना कैपेसिटी चाहिए वो कैपेसिटी तुम्हें कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा, उसका सोर्सेस को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो। फिर इवैल्यूएट करो, क्या तुम्हारे पास कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी है या नहीं, क्या तुम्हारे पास कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ कैपेसिटी है या नहीं। तो ठीक है, चलो ये सारे पॉइंट डिस्कशन हो चुका है। फिर बोला देखो, कैपेसिटी प्लानिंग इज नेसेसरी व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू गेन द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक स्केल। बट कैपेसिटी प्लानिंग कब इंपॉर्टेंट होता है बोलो? कैपेसिटी प्लानिंग कब इम्पोर्टेंट होता है? कैपेसिटी प्लानिंग इम्पोर्टेंट होता है अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करोगे इनटू द मार्केट और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर तुम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे, क्या सोचते हो, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे या नया मार्केट को तुम्हारा प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, तो तब कैपेसिटी प्लानिंग का नेसेसिटी बढ़ता है, तो ठीक है, चलो। बोला कि वंस द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज इवैल्यूएटेड एंड ए नीड फॉर न्यू और एक्सपेंडेड कैपेसिटी इज डिटरमाइंड, डिसीजन रिगार्डिंग द फैसिलिटी लोकेशन एंड फैसिलिटी टेक्नोलॉजी सिलेक्शन आर अंडरटेकन। चलो, इस पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। देखो, अगर तुम्हारा कैपेसिटी शॉर्टेज हो गया, तो कैपेसिटी शॉर्टेज सिचुएशन क्या होगा, तुम्हारा कस्टमर का नीड या कस्टमर का वांट, कस्टमर का डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो कैपेसिटी शॉर्टेज सिचुएशन प्रेजेंट कैपेसिटी व्हेयर प्रेजेंट कैपेसिटी इज नॉट एनफ टू मीट द फोरकास्ट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अगर तुम्हारा डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम प्रेजेंटली शॉर्टेज कैपेसिटी में है। अगर डिमांड जितना उससे ज़्यादा तुम्हारा कैपेसिटी, तो तुम सरप्लस या एक्सेस कैपेसिटी में हो। तो बोला सॉरी, समझ में आया शॉर्टेज कैपेसिटी क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है? नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट कैपेसिटी। क्या बोला?
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट कैपेसिटी, मतलब अगर तुम प्लांट कैपेसिटी डिटरमाइन करते हो तुम्हें कौन सा फैक्टर, मतलब कौन सा फैक्टर का द्वारा तुम प्रभावित होगा। क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, अगर तुम प्लांट का कैपेसिटी के बारे में सोचते हो तो अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए या कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा तो ये भी तुम्हारे ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगा, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए ये भी तुम्हारे ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगा। इसका मतलब क्या क्या फैक्टर, मतलब कौन सा फैक्टर तुम्हारा प्लांट कैपेसिटी डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करेगा या प्लांट कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। क्या पहला फैक्टर हुआ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, फिर दूसरा फैक्टर हुआ चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन चेंज हो गया तो तुम्हारा कैपेसिटी अफेक्ट होगा, मतलब कैपेसिटी को चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारा प्रोसेस डिजाइन चेंज हो गया तो तुम्हारा कैपेसिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। तुम्हारा मार्केट कंडीशन चेंज हो गया, तुम्हारा कैपेसिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉर कैपेसिटी एडिशन, तुम ऐसे कैपेसिटी बनाओ अगर तुम सोचोगे तो उसको एडिशन मतलब इंक्रीज करने के लिए इजीली इंक्रीज हो पाएगा, अगर तुम सोचते हो कि डिक्रीज करने के लिए तो कैपेसिटी इजीली डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। मतलब आज तुम सोचा कि चलो कैपेसिटी को एनहांस करते तो एनहांस हो सकेगा, आज तुम सोचा कि चलो कैपेसिटी को कम कर देते तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा कैपेसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तुम्हारा कैपेसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ठीक है। फिर उसके बाद लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन रिक्वायर्ड, सोचो अगर तुम्हें ज़्यादा ऑटोमेशन चाहिए, ऑटोमेशन मतलब हर काम ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा होना चाहिए तो तुम्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक मशीन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कैपेसिटी तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो अगर तुम ऑटोमेशन लेवल ज़्यादा सोचते हो तो तुम्हारा कैपेसिटी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा तो ठीक है। मार्केट डिमांड भी कैपेसिटी का डिटर्मिनेशन को अफेक्ट डालेगा। प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, अगर तुम रॉन्ग टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा कैपेसिटी खराब हो जाएगा, अगर तुम अच्छा टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा कैपेसिटी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो ठीक है। चलो द नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, मतलब कैपेसिटी प्लानिंग कितने प्रकार का, कैपेसिटी प्लानिंग कितने प्रकार का, अगर तुम टाइम के हिसाब से देखोगे, बेस्ड ऑन टाइम होरिजन, अगर तुम टाइम के हिसाब से देखोगे तो कैपेसिटी प्लानिंग दो तरीका, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। अब बोलेंगे सर आप तो पिछले कंसेप्ट में लिखे थे कि तीन प्रकार का मीडियम, बेटा मैंने लिखा था लेकिन मीडियम का नहीं होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। अगर तुम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होता है उसको देखोगे तो फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग, इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग, फाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग, इनफाइनाइट कैपेसिटी प्लानिंग। इसका मतलब कैपेसिटी प्लानिंग का फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, मतलब जो फैक्टर कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट डालेगा, मतलब असर डालेगा, इफेक्ट डालेगा, वो दो प्रकार का, पहला हुआ कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स और कुछ लेस कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर मतलब तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेस कंट्रोलेबल का मतलब कंट्रोल कर सकते हो लेकिन थोड़ा कम, तो ठीक है। तो कंट्रोल मतलब पूरी तरफ से कंट्रोल कर सकते हो, किसको, अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, फैसिलिटीज इंस्टॉल, मशीन, टूलिंग, शिफ्ट वर्क पर डे, वर्क पर वीक, ओवर टाइम वर्क, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप एक्सेट्रा, इसको तुम फुली कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए तुम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो, अगर तुम सोचते हो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करने के लिए तो बंद कर दो, कोई बात नहीं,
तो इसको ये तुम्हारा कब्जा में रहेगा हमेशा। लेकिन लेस कंट्रोलेबल फैक्टर क्या होता है, ये तुम्हारे कब्जा में नहीं रहेगा। तो ठीक है, लेबर का एब्सेंटिज्म, लेबर का परफॉर्मेंस, मशीन ब्रेकडाउन। क्या तुम सोचा है कि चलो मशीन ब्रेकडाउन हो, मशीन को ब्रेकडाउन करने के लिए तुम सोच रहे हो क्या मशीन ब्रेकडाउन हो जाए? तुम्हारे मर्जी में मशीन थोड़ी ना ब्रेकडाउन होता है, तुम्हारा मर्जी में लेबर थोड़ी ना छुट्टी लेता है, तुम्हारा मर्जी में थोड़ी ना लेबर अपना काम करता है। ये सब लेबर के ऊपर डिपेंड करेगा, मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा। मटेरियल शॉर्टेज, स्क्रैप, ये सब कंट्रोलेबल नहीं है, लेस कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल। चलो हो गया तुम्हारा कैपेसिटी प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, लेकिन आज नहीं, मतलब इस वीडियो में नहीं, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर पढ़ेंगे। थैंक यू, टाटा।